हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू टुडे टुडे इज़ अ ब्राइट मॉर्निंग नाउ, येस्ट कल हम लोगों ने एक हैप्पी चाइल्ड के ऊपर पोएम सीखी थी नाउ टुडे उसी पोएम के ऊपर कुछ एक्सरसाइजेस हम लोग आज करेंगे नाउ ये बॉय है और ये गर्ल की पिक्चर है तो आपको उस पर लाइन मिलाना है मैच uh, करना है तो वेर इज द बॉय बॉय यहाँ है वेर इज द गर्ल गर्ल इज हियर ओके now सिमिलरली वी विल

द गर्ल हैप्पी चाइल्ड हाउस हैप्पी चाइल्ड के कलर का हाउस का क्या था रेड था तो वी विल राइट येड रेड कलर लिखेंगे देन वॉट इज द कलर ऑफ योर हाउस आपके घर के कलर क्या है तो अगर आपको रेड है या येलो है तो आप यहाँ पर कलर लिखेंगे देन वॉट इज द कलर ऑफ द ट्री पेड़ का क्या कलर होना चाहिए Hmm? तो आप लिखेंगे व्हाट इज द कलर ऑफ द ट्री ग्रीन यहां पे ग्रीन डालेंगे आप व्हाट इज द कलर ऑफ द सन येलो येलो डालेंगे तो यहां पे आपका कलर ऑफ द सन इज येलो ये या लोड हो जाएगा ठीक है नाम इज देर अ ट्री ग्रोइंग नियर योर हाउस अगर आपके घर के पास है तो आप उसके बारे में बताएंगे जैसे पेड़ के कौन से कलर होते हैं या पेड़ बड़ा होता है बड़ा है छोटा है आपके घर के पास जो पेड़ है उसके बारे में थ्री सेंटेंस या फोर सेंटेंस लिखेंगे और उसका नाम लिखेंगे जैसे पेड़ के क्या कलर होते हैं तो ग्रीन एंड ब्राउन ग्रीन लीव्स होती हैं और ब्राउन जो होता है उसका ट्रंक होता है तना होता है एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ट्री अगर वो नीम ट्री है या बैनियन ट्री है बरगद का पेड़ है या फर ट्री है जैसे पहाड़ी इलाकों में फर ट्री होती है या आप कह सकते हैं कि मैंगो ट्री है पे कोई फल का पेड़ है या अखरोट का पेड़ है वॉलनट ट्री लिख सकते हो तो जिस तरह का आपके घर के पास पेड़ होगा उसके बारे में आप उसका नाम लिखेंगे ओके नाव वी विल लर्न जैसा कि हैप्पी चाइल्ड के घर के बारे में पोयम थी तो आप घर के बारे में आप वी विल लर्न कि घर भी बहुत से तरीके के होते हैं छोटे हाउसेज होते हैं बड़े हाउसेज होते हैं ठीक है सो यी विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ हाउसेज नाउ द फर्स्ट वन इज़ हट विलेज वगैरह में गाँव वगैरह में घर होता है उसको हट कहते हैं और बहुत जहाँ बहुत ठंडी होती है ग्रीन लैंड में कहते हैं वर्ल्ड में एक ऐसा भी जगह है जो कि बहुत ठंडा होता है वहाँ पर और लोग फर ही के मतलब हर वक़्त वो आ, कोट पहने रहते हैं फर के जानवरों की स्किन से बनता है और वो उस घर को कहते हैं इग्लू इग्लू कहते हैं उसको और वो उसके अंदर हमेशा वो गर्म बना रहता है उसमें वो लोग बहुत तरीके से उसको गर्म रखने की कोशिश करते हैं और वो बर्फ़ से ही बनता है और उसको कहते हैं इग्लू और शहरों में सिटीज़ में वी हैव मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स और अलग अलग फ़्लोर पे घर होते हैं उनको कहते हैं फ़्लैट एफ एल ए टी फ्लैट और कुछ लोग बड़े बड़े एरिया में मकान बनाते हैं बंगलो बनाते हैं घर बनाते हैं जिनमें आगे भी एरिया खुला होता है सब्ज़ियाँ उगाने के लिए और आगे की तरफ गार्डन होता है बहुत बड़ी बड़े एरिया में जो घर बनता है उसको कहते हैं बंगलो क्या कहते हैं बंगलो बी यू एन जी एल ओ डब्ल्यू बंगलो जी नाउ नेक्स्ट इज़ नाव हाउ डू यू फील मीन्स जब आप यहाँ पर फेसेस दिखा रहे हैं कि आपको कैसा लगता है जब आप ख़ुश होते हैं जब आप कुछ आपको चोट लग जाती है आपका कैसा फेस हो जाता है तो ये जो है ये देखिए जब आपको कोई अच्छी सी ड्रेस मिलती है सुंदर आपको कपड़ा पहनने को मिलता है मम्मी लाती है आपके लिए नई फ़्रॉक लाती है या नया जीन्स पैंट लाती है तो आपका चेहरा खुश होता है तो फिर आपका ऐसा चेहरा हो जाता है और जब आपको कुछ चोट लग जाती है जब आप दुखी होते हो तो आपका फेस ऐसा हो जाता है ठीक है जब आप कुछ किसी के साथ शेयर करते हो खुश होते हो तब भी आप खुश होते हो आपका चेहरा ऐसा होता है तो ड्रॉ एंड से यहाँ पर ये आपको एक चेहरा बनाना हैप्पी और सैड तो यहाँ आपको दो जगह दी हुई हैं ये आपको हैप्पी और सैड की फेस बनाना है ठीक है नाउ ड्रॉ लाइंस फ्रॉम द हाउस टू द पीपल हु लिव इन योर हाउस आपके घर में कौन कौन रहता है ये आपका घर है मान लीजिए ओके okay. आपके घर में ग्रैंडफादर रहते हैं ग्रैंड मदर रहती हैं और फादर रहते हैं मदर रहती हैं ब्रदर रहता है और सिस्टर रहती है आपके घर में फिर कितने मेंबर्स हो गए थ्री फोर फाइव सिक्स तो आपको पता होना चाहिए आपके घर में कितने मेंबर्स हैं तो आप वो आप अपने बनाएंगे। आप किस पे डॉटेड लाइंस के इनको ट्रेस करिए is pencil say and then you will write here how many people live in your house six people live in my house you can say okay now we will learn some animal babies today now cow ये बच्चों ये बच्चे बने हैं और इसमें एनिमल्स बाहर हैं वो अपने बच्चों बताओ कहाँ पर हैं ये कैट है तो इनकी इनका बेबी जो है उसको किटन कहते हैं कैट के बच्चे को किटन कहते हैं डॉग के बच्चे को बपी कहते हैं बटरफ्लाई के बच्चे को कैटपिलर कहते हैं डक के बच्चे को डकलिंग कहते हैं लायन के बच्चे को कब कहते हैं कैंगरू के बच्चे को जोई कहते हैं ठीक है सो वी विल लर्न एनिमल बेबीज वंस अगेन नाउ बेबी ऑफ कैट इज कॉल्ड किटन बेबी ऑफ डॉग इज कॉल्ड पपी बेबी ऑफ काओ इज कॉल्ड काफ Baby of duck is called duckling. Baby of butterfly is called caterpillar. And baby of lion is called cub. Baby of kangaroo is called joey. So, this is all for today. You'll learn your exercises and we will meet again tomorrow.